नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। दीपावली हर्षोल्लास एवं उमंग का त्योहार है। दिवाली के दिन हर लोग घर में खुशियां मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन किन्नर समाज एक ऐसा वर्ग है जिसे समाज में अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि किन्नर सदैव लोगों की को दुआएं देते हैं, खुशियां बांटते हैं, कहते हैं लोगों के लिए ये त्योहार खुशियां लेकर आते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये त्योहार अकेलापन महसूस कराते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि किन्नर समाज के लोगों के लिए दिवाली कैसे मनाते हैं और उन्हें दिवाली के दिन देखना और दान देना कितना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि त्यौहार खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन भूले बिसरे दर्द को ताजा भी कर जाते हैं। सगे रिश्तों से दूरी का दर्द तो कोई किन्नर समाज के दिलों से जाकर पूछे, यूं तो जिंदगी गुजर ही रही है, लेकिन जब तीज त्यौहार आते हैं तो माता पिता और भाई बहन की दूरी उन्हें बहुत ज़्यादा खलती है। किन्नर समुदाय की अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनके तौर तरीके आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन यह समुदाय हर फेस्टिवल को आम लोगों की तरह ही पूरे जोश के साथ मनाता है, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो या फिर होली। रही बात दीपावली की, तो यह एक ऐसा पर्व है जिसे लोग अपने परिवार के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अब मन में यह सवाल उठता है कि आखिर किन्नर समाज की दीपावली कैसे मनाई जाती है। अर्धनारीश्वर का व्यक्तित्व रखने वाले इस समाज के व्यक्ति अपनी खुशियों की उम्मीद आखिर किससे करें। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि उनके अर्धनारीश्वर रूप को देखकर उनके अपने परिजन भी उनसे मुंह फेर लेते हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा इन लोगों को त्योहारों में अपने परिवार की कमी बहुत खलती है। जहां त्योहारों में लोग अपने घरों में दीपावली के त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और मिलकर मिठाई खाते हैं, वहीं किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके अपने उनका हाल चाल तक नहीं लेते हैं। ये त्योहार हर बार इन लोगों के लिए कई पुराने घाव ताजा कर देते हैं और बरसों से इनके जख्मों को हर साल ताजा करते हैं। जब समाज में सबके लिए समानता एक है और तो फिर इन समुदाय के लोगों के लिए अलग से व्यवहार क्यों। ये वही किन्नर हैं जो हमेशा लोगों के दिलों से दुआ देते हैं और उनके लिए आशीर्वाद हमेशा लोगों को सफल बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आशीर्वाद किन्नर समाज के लोगों को भी मिला है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। किन्नर समुदाय के लोगों को लेकर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। हम उन्हें और भी जानने की कोशिश करते हैं। शादी ब्याह से लेकर शुभ कार्यों तक के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा भी उनके साथ साथ चलने लगी। वहीं किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित रहेगा। तब से बच्चे के जन्म हो, विवाह हो आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कभी भी भूल कर किन्नर समुदाय की बदुआ मोल ना लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि यदि आप खुश ना कर सकें तो उन्हें नाराज भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए, तो उन्हें अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें फिर आइएगा।
पूरे देश में इन दिनों दिवाली की तैयारियां हैं। जहां बच्चे पटाखों को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं बड़े घर में लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियों के लिए साफ सफाई में जुटे हैं। साल भर में आने वाले इस त्यौहार को बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। इस त्यौहार में पूरे दिन एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दिन माँ लक्ष्मी घरों में आती हैं, लोग भी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। घरों को रोशनी से जगमगाया जाता है, घर के किसी भी कोने में दिवाली के दिन अंधेरा नहीं रखते हैं। साथ ही दिवाली पर केवल शुभ मानी जाने वाली चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में हमारी आप सभी से ये उम्मीद है और निवेदन भी है कि किन्नर समाज के लोगों को बराबरी का हक दें। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है तो तीज त्यौहार में उनके लिए भी ये खुशी पाना बहुत अहम है, वो भी इस खुशी के हकदार हैं। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिनका किन्नर समाज के लोगों को सिर्फ इसलिए इंतजार रहता है कि शायद उनका कोई सगा संबंधी समाज की नजरों से छिपते छिपाते ही सही उनसे मिलने और प्यार जताने के लिए कभी ना कभी आ जाए। खून के ये रिश्ते जो भुलाए नहीं भूलते और जिनका दर्द खामोशी से दिल में छिपाए ये किन्नर जीते हैं और दुनिया को हंसाते हैं और उनके घरों की रौनक बढ़ाते हैं। तो इस बार दीपावली के त्यौहार पर उनके साथ भी वैसे ही मनाए जैसे अपने परिवारजनों के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार ही तो है जो हमें अपनों से जोड़ते हैं। आपको हमारी पूरी टीम की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।